Myself Dr. Juhi. Today I am discuss free consent of parties in contract. पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति. जैसा कि सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट के जो पक्षकार यानी पार्टीज होती हैं उनकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए. फ्री कंसेंट किसे कहते हैं? सबसे उससे जानने के लिए सबसे पहले हमें कंसेंट क्या होता है ये जान लेना ज़रूरी है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 13, टू और मोर पर्संस आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. जब दो या दो से व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हो जाते हैं तो उसे सहमति कहा जाता है. तो इस प्रकार इसमें हम दो इम्पॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं. जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति एक ही बात यानी सेम थिंग पर सहमत हो रहे हैं. नेक्स्ट, जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति उस बात पर समान भाव मतलब समान विचार यानी सेम सेंस रखते हुए सहमत हो रहे हैं तो वो कहते हैं कि वो दोनों एक ही बात पर सहमत हो रहे हैं. दिस मीन्स दैट देयर शुड बी परफेक्ट आइडेंटिटी ऑफ माइंड कंसेंसस एट इडम रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इस प्रकार कंसेंट तब हुई मानी जाती है जबकि सभी पक्षकार जो एग्रीमेंट है उसके फैक्ट्स के संबंध में समान भाव सेम सेंस रखते हुए सहमत होते हैं. इस पर कंसेंसस एड इडम मतैक्यता बनती है. अगर सहमति नहीं है तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होता है. अब हम बात करते हैं कि खाली कंसेंट यानी एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट होना जरूरी है लेकिन ऐसा कंसेंट भी फ्री होना चाहिए. फ्री कंसेंट यानी पक्षकारों यानी पार्टीज पे किसी तरह का कोई कंसेंट देते हुए कोई दबाव या धोखा नहीं होना चाहिए. दबाव में आकर यानी मजबूरी में अगर कोई कंसेंट दे रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए तो वो कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा. उसकी इच्छा नहीं है. कंसेंट में उसकी इच्छा होना जरूरी है. इच्छा से वो अपनी कंसेंट दे रहा हो. फ्री होना चाहिए. स्वतंत्र सहमति वह सहमति है जो पक्षकारों की अपनी इच्छा से हो. उन पर किसी तरह का शारीरिक मानसिक या किसी भी प्रकार का दबाव या कोई धोखा देकर सहमति प्राप्त नहीं की गई हो. यदि सहमति स्वतंत्र नहीं है यानी फ्री कंसेंट नहीं है तो ऐसी कंसेंट एक पक्षकार द्वारा दूसरे यानी एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी पर लादी हुई या थोपी हुई मानी जा सकती है. टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नॉट ओनली कंसेंट इज नेसेसरी बट द कंसेंट शुड आल्सो बी फ्री. खाली कंसेंट एक कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड होने के लिए कंसेंट होना जरूरी नहीं है. कंसेंट का फ्री होना भी जरूरी है. सेक्शन 14 सेज द कंसेंट इज सेड टू बी फ्री. कोई कंसेंट फ्री कैसे मानी जाएगी? अब इसमें लीगली एक बात कुछ डाली गई है कि हम कहते हैं कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए. अब हम इसको कैसे मेजर करेंगे कि कोई कंसेंट फ्री है या नहीं है? द कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग. कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 5 सेक्शंस दिए गए हैं. सेक्शन 15, 16, 17, 18, 20, 21. इन सेक्शंस में फ्री कंसेंट्स के बारे में बताया गया है. फैक्ट्स बताए गए हैं 5 हैं जिनके अकॉर्डिंग अगर इनके अंडर में आता है कोई भी कंसेंट तो वो फ्री नहीं माना जाएगा. जैसे फर्स्ट कॉर्शन यानी सेक्शन 15 कॉर्शन उत्पीड़न. सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी अनुचित प्रभाव. फ्रॉड यानी कपट सेक्शन 17. मिस रिप्रेजेंटेशन यानी मिथ्या वर्णन. गलती यानी मिस्टेक. इन सभी 5 तत्वों यानी उत्पीड़न अनुचित प्रभाव कपट मिथ्या वर्णन तथा गलती
इनमें से किसी भी तत्व में, कोई भी तत्व अगर किसी कंसेंट में मिलता है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाएगा। और अगर उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट या मिथ्या वर्णन के आधार पर कंसेंट लिया गया है और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो जो एग्रीव्ड पार्टी है, यानी जो पीड़ित पक्षकार विक्टिम पार्टी है, उसकी इच्छा पर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। लेकिन अगर तथ्य संबंधी गलती यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट के आधार पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वॉइड है, सेक्शन 20 तथा 21। अब मैं आपको इनके सारे जो पांच तत्व, जो पांच इसमें बातें लिखी गई हैं फ्री कंसेंट के बारे में, उसके बारे में बता रही हूँ। फर्स्ट है कॉशन, उत्पीड़न, सेक्शन 15। कॉशन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी कॉन्टैक्ट, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पैनल कोड or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatsoever with the intention of causing any person to enter into an agreement। इसमें यह बताया गया है कि उत्पीड़न क्या चीज है। उत्पीड़न करने, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट करने के उद्देश्य से किसी दूसरे पक्षकार या उसकी संपत्ति, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए दूसरी पार्टी के साथ, या उस एक तो उसके खुद के साथ या फिर उसकी प्रॉपर्टी के साथ कोई बल प्रयोग, या कोई बल प्रयोग करता है या करने की धमकी देता है, तो उसे हम कहते हैं कॉर्शन यानी उत्पीड़न, सेक्शन 15। इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के साथ करार करने के उद्देश्य से कोई ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना जो भारतीय दंड संहिता द्वारा वर्जित है, या किसी व्यक्ति के हितों के विपरीत उसकी संपत्ति को अवैधानिक रूप से रोकना अथवा रोकने की धमकी देना उत्पीड़न है। इस प्रकार इसमें हम ये जान सकते हैं कि इसमें दो चीज़ें पता चल रही हैं। जब कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में ज़बरदस्ती लाने के उद्देश्य से क्या करता है, एक तो आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड द्वारा रिस्ट्रिक्टेड कोई कार्य करता है, कोई काम करता है या करने की धमकी देता है, दूसरा दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से रोकता है या रोकने की धमकी देता है, और इन सब करने का उद्देश्य क्या है, उसके साथ उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या उसके साथ एग्रीमेंट करने के लिए उसे मजबूर करना, तो उसे कहते हैं कॉर्शन, उत्पीड़न। आईपीसी से रिलेट, आईपीसी में रिस्ट्रिक्टेड कार्य जैसे मारपीट करना, यानी आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए आप उसके साथ मारपीट कर रहे हो, पीट रहे हो, उसकी पर्सनल जो फ्रीडम है उसे रोक रहे हो, तो ये सभी आईपीसी के अंतर्गत रिस्ट्रिक्टेड है। अगर ये सब काम करके आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट में ला रहे हो, मजबूर कर रहे हो आप किसी को, या फिर ऐसा करने की आप धमकी दे रहे हो, तो ये सब कॉशन में आता है और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होते हैं, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं। अब एक मैं आपको बताती हूँ, आत्महत्या की धमकी। अब ये हमेशा एक भ्रम का एक वो रहता है, एक कि क्या आत्महत्या की धमकी कॉशन में आता है। इसका कारण ये है कि आत्महत्या की धमकी को आईपीसी में एक क्राइम नहीं माना गया है, आत्महत्या के प्रयास को क्राइम माना गया है। लेकिन जो कोर्ट है, कलकत्ता कोर्ट ने एक केस था पूर्वी वर्सेस वासुदेव में बोला था कि आत्महत्या की धमकी को कॉशन में माना जाएगा। इस मामले में मद्रास कोर्ट ने के अनुसार कि एक हिंदू व्यक्ति ने आत्महत्या की धमकी देकर अपनी स्त्री अथवा बच्चे से रिलीज डीड लिखवा दिया था, न्यायालय ने ये कहा कि ऐसा रिलीज डीड
कॉशन के अंतर्गत आता है तथा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। ये देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल है कि एक आदमी दूसरे को गन दिखा के उसे धमकी दे रहा है, आई वॉन्ट योर जॉब नाउ, आप मुझे जॉब दीजिए। तो ये एक तरीके से कॉर्शन हो गया, किसी उसको दबाव में डाल के उससे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उससे कॉन्ट्रैक्ट मिलाया जा रहा है, उससे जॉब लिया जा रहा है। इफेक्ट ऑफ कॉर्शन, सेक्शन 19। अगर किसी व्यक्ति को उत्पीड़न में डाल के, उत्पीड़न में अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है? इफेक्ट ऑफ कॉर्शन, when the consent of a party or to an agreement is obtained by coercion, the contract becomes voidable at the option of the party whose consent is so obtained. अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उत्पीड़न से प्रभावित होने की स्थिति में, पहला यह होता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट aggrieved पार्टी की इच्छा पर वॉइडेबल होता है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिससे जिसको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया है दबाव में डाल के, अगर उसको ये राइट होता है कि वो चाहे तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लीगल वैध समझकर, उस कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तों को मानकर बाउंड हो सकता है, नहीं तो अगर वो ऐसा नहीं चाहता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वो वॉइड कर सकता है, वो कोर्ट में जाकर वॉइड करवा सकता है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द कंसेंट वॉज ऑब्टेन्ड थ्रू कॉशन शैल बी अपॉन द पार्टी हु वॉन्ट्स टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द प्ले ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उत्पीड़न के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत अगर किसी अगर पार्टीज ने कोई वस्तु ली है या कोई धनराशि ली है या प्राप्त की है या दी है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के वॉइड होने पर वो जो वस्तुएं हैं या धनराशि हैं एक दूसरे को वापस लौटानी होगी। नेक्स्ट है अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी अनुचित प्रभाव, सेक्शन 16। अनड्यू इन्फ्लुएंस इज द इम्प्रॉपर यूज ऑफ एनी पावर पॉसेस्ड ओवर द माइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी अफेक्टेड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस व्हेन द रिलेशंस सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच that one of the parties is in a position to dominate the will of other, uses that position to obtain an unfair advantage over the other. अनुचित प्रभाव, सेक्शन 16। कोई कॉन्ट्रैक्ट अनुचित प्रभाव तब कहलाता है, से प्रेरित तब कहलाता है जबकि जो दो पार्टीज हैं उनके बीच में कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें कि कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी की इच्छा को प्रभावित यानी डोमिनेट करने की सिचुएशन में हो तथा उस सिचुएशन का वो दूसरे पक्षकार से कोई अनुचित लाभ उठाने के लिए प्रयोग करता है, वो ऐसे सिचुएशन का प्रयोग अनुचित लाभ के लिए करता है, तो वो कहा जाता है कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रेरित होकर कंसेंट दे रहा है। इसे हम यूँ कह सकते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट का कोई एक डोमिनेंट पार्टी अपनी सिचुएशन का मिसयूज करके कॉन्ट्रैक्ट के दूसरी पार्टीज की इच्छा को प्रभावित करता है और कॉन्ट्रैक्ट में कोई अनुचित लाभ उठाता है, तब ये कहा जाता है कि वह कॉन्ट्रैक्ट अनुचित प्रभाव से प्रेरित है। जैसे पक्ष, इसमें मेन इम्पॉर्टेंट है पक्षकारों के मध्य संबंध, कि जो पार्टी से उन दोनों के बीच कुछ ऐसा संबंध होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए कि जो कि डोमिनेंट पोजीशन में हो, एक पार्टी दूसरे पार्टीज की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में हो। इसे हम कह सकते हैं जैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस में कैसा रिलेशन हो सकता है, जैसे डॉक्टर एंड पेशेंट। डॉक्टर इसमें डोमिनेंट पोजीशन में हो सकता है,
lawyer and client, guardian and ward, trustee and beneficiary, teacher and student. तो इसमें टीचर है, ट्रस्टी है, गार्जियन है, लॉयर है, डॉक्टर है, ये डोमिनेंट पोजीशन में हो सकते हैं. इन दोनों के बीच में रिलेशन डोमिनेंट पोजीशन का हो सकता है. अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी इफेक्ट यही होता है सेक्शन 19A कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है, वॉइडेबल होता है जिस पक्षकार, जो पक्षकार, जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, जिसकी फ्री कंसेंट नहीं होती है, जो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर कॉन्ट्रैक्ट में आया होता है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है, कोर्ट में जाकर कोर्ट को कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकता है. फ्रॉड यानी कपट. मीनिंग ऑफ फ्रॉड सेक्शन 17. मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स मे बी इंटेंशनल और इनोसेंट. इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन हैज बीन टर्म्ड एज फ्रॉड एंड इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन हैज बीन टर्म्ड सिंपली एज मिस रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. देखिए, कॉन्ट्रैक्ट करते समय अगर फैक्ट्स का मिस डिस्क्रिप्शन जानकर या फिर इनोसेंटली, इग्नोरेंटली, दोनों प्रकार से हो सकता है. अगर कोई पक्षकार जानकर या जानबूझकर किसी फैक्ट का मिस डिस्क्रिप्शन करता है तो उसे कपट कहते हैं. अगर जानकर नहीं किया जा रहा है, इग्नोरेंटली किसी फैक्ट के संबंध में रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, मिस डिस्क्रिप्शन हो रहा है, तो इसे कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन. तो दोनों में अंतर यह है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में कि कपट यानी फ्रॉड में जानकर, जानबूझकर किया जाता है, और उसमें जानबूझकर नहीं होता है, इसमें अज्ञानवश यानी इग्नोरेंटली हो जाता है, इग्नोरेंटली हो जाता है. तो सेक्शन 17 में एक आगे कपट से तात्पर्य किसी पक्षकार या उसके एजेंट द्वारा जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स का मिथ्या वर्णन करने या छुपाने से है, ताकि दूसरे पक्षकार को धोखे में डालकर उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रेरित किया जा सके. तो इसमें फैक्ट्स क्या है, किसी फैक्ट के संबंध में कोई ऐसा सुझाव देना जो कि सत्य नहीं है, जो कि सही नहीं है, और उसके सही होने का उसे विश्वास भी नहीं है. नेक्स्ट, किसी फैक्ट को जानबूझकर सक्रिय होकर छुपाना जिसका उसे वास्तविक ज्ञान यानी एक्चुअल नॉलेज या विश्वास है. थर्ड, पूरा नहीं करने के अभिप्राय से वचन देना. फोर्थ, कोई भी अन्य कार्य करना जिसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार को धोखा देना है. फिफ्थ, कोई भी ऐसा कार्य अथवा भूल जिसे लॉ द्वारा विशेष रूप से फ्रॉड, कपट में घोषित किया गया है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और बाय एनी वन विद हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट विद इंटेंट टू डिसीव intend to deceive another party, their tool or his agent, or to induce him to enter into contract. First, a suggestion as to fact of that which is not true by one who does not believe it to be true, an active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact, any other act fitted to deceive, a promise made without any intention of performing it. इसे एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ. ए नामक एक व्यापारी है जो बी को घी बेचते समय कहता है कि वो जो घी है वो बिल्कुल प्योर है, जबकि वह जानता है कि उसमें मिलावटी घी है. तो यहाँ ए जानबूझकर झूठ बोलकर फ्रॉड कर रहा है, तो ये एक फ्रॉड की कैटेगरी में आ गया. इसेंशियल ऑफ फ्रॉड
देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन एंड इट मस्ट बी फॉल्स. द रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट और मटीरियल फैक्ट. कपट किसी पक्षकार या उसके एजेंट द्वारा किया जाना चाहिए और कार्य कपटपूर्ण होना चाहिए और कपट तथ्यों के संबंध में होना चाहिए. तथ्यों को सक्रिय रूप से छिपाना होना चाहिए. द अदर पार्टी मस्ट हैव बीन इंक्लूडेड टू एक्ट अपॉन द रिप्रेजेंटेशन. और जो दूसरी पार्टी है उसने उस एक्ट के द्वारा कोई काम कर लिया हो, मिस रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत काम कर लिया हो और पूरा नहीं करने के उद्देश्य से कोई वचन दिया गया हो या धोखा देने के उद्देश्य से कोई कार्य कर रहा हो, उसी तथ्य को छुपाने के उद्देश्य से कार्य कर रहा हो. इफेक्ट ऑफ फ्रॉड सेक्शन 19. द पार्टी हुज कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड कैन एक्सरसाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग राइट्स. ही मे अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड मे ask for the damages suffered because of the non-fulfillment of the contract. He may insist for the performance of the contract. जो कि aggrieved party होती है वो दो काम कर सकती है. पहला कि वो या तो contract को avoid करे and may ask, avoid कर दे और वो ये कह दे कि जो भी उसे damage हुए हैं उसकी फुलफिल बिकॉज डैमेज है, वो जो भी उसने सफ़र किया है उसके डैमेज क्षतिपूर्ति की प्राप्ति के लिए वो है ना कोर्ट में जा सकता है. दूसरा वो कॉन्ट्रैक्ट में ना इंसिस्ट कर सकता है कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मिस रिप्रेजेंटेशन इज अ फॉल्स. देखिए कपट और मिथ्या वर्णन यानी फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में यही अंतर था कि उसमें जानबूझकर किया जाता है और इसमें अज्ञानतावश यानी इग्नोरेंटली किया जाता है. किसी झूठी बात का मिस रिप्रेजेंट किया जाता है, मिस डिस्क्रिप्शन किया जाता है. मिस रिप्रेजेंटेशन इज अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मेड इनोसेंटली विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ डिसीविंग द अदर पार्टी. इट मे इंक्लूड टू थिंग्स, रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ अ मटीरियल फैक्ट नॉट नोन टू बी फॉल्स, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स वेयर देयर इज अ लीगल ड्यूटी टू डिस्क्लोज विदाउट इंटेंशन टू डिसीविंग. मिथ्या वर्णन सेक्शन 18. सेक्शन 18. जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य को सत्य बताता है निश्चयात्मक रूप से, यद्यपि वो सत्य असत्य है किंतु उसे उसकी सत्यता के बारे में उसे पूरा विश्वास है. मतलब वो किसी बात के बारे में कहता है कि ये सही है जबकि वो सही नहीं है लेकिन उसके उसे सही होने का पूरा विश्वास है. सेकंड, जब कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य भंग करके दूसरे पक्षकार को भ्रम में डालकर उसे हानि पहुंचाता है और कोई लाभ प्राप्त करता है जबकि उसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार को धोखा देना नहीं होता है. जब कोई धोखा देने के उद्देश्य से ना होकर दूसरे व्यक्ति को कोई भ्रम में डालकर कोई हानि पहुंचा देता है लेकिन उसको धोखा देने का इंटेंशन नहीं होता और उससे उसको प्रॉफिट भी हो जाता है. थर्ड, जब करार किसी एक पक्षकार को करार की विषय वस्तु के बारे में गलती करने के लिए प्रेरित करता है चाहे वह कितना ही इनोसेंटली के साथ क्यों ना किया गया हो, तो ये सब मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आता है. नेक्स्ट है मिस्टेक यानी गलती. गलती या भूल किसी बात के संबंध में, मिथ्या धारणा, भ्रम या मिथ्या कल्पना या विश्वास के कारण होता है. दो तरह की गलती होती है, एक तो मिस्टेक ऑफ लॉ, दूसरा मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी विधि संबंधी गलतियां, दूसरा फैक्ट संबंधी गलतियां. मिस्टेक ऑफ लॉ भी दो लॉ भी ना डिवाइड किए गया है, मिस्टेक ऑफ इंडियन फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फॉरेन फैक्ट. देखिए मिस्टेक ऑफ इंडियन फैक्ट ये एक नियम या लॉ है
कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, विधि संबंधी अज्ञानता एक तर्क नहीं है। हम एक आम नागरिक से ये अपेक्षा आशा रखते हैं कि उसे इंडियन लॉ का ज्ञान है, वो इंडियन लॉ के बारे में जानता है। अगर वो इंडियन लॉ संबंधी कोई भूल करता है या कोई ऐसा आर्ग्यू करता है तो कोर्ट उसे नहीं मानेगी। कोर्ट ये जानती है कि आप लॉ जानते हैं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, देश के प्रत्येक नागरिक से देश के कानून की जानकारी की आशा की जाती है। अतः कोई भी व्यक्ति देश की कानून की अनभिज्ञता का तर्क देकर अपनी लाइबिलिटी से नहीं बच सकता है। सेकेंड है मिस्टेक ऑफ फॉरन लॉ। मिस्टेक ऑफ फॉरन लॉ का आप आर्ग्यू कर सकते हैं, उसे कोर्ट मान सकता है। जब पक्षकार किसी कॉन्ट्रैक्ट को करते समय किसी दूसरे देश के लॉ के संबंध में कोई गलती कर देता है तो ऐसी गलती फॉरन गलती से रिलेटेड मानी जाती है। लेकिन ऐसी गलती संबंधित गलती के आधार पर भी हुआ कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वॉइड होता है। मिस्टेक एज टू प्राइवेट राइट्स ऑफ द पार्टीज ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट हेयर द एग्रीमेंट विल बी वॉइड इन केस ऑफ बिलेटरल मिस्टेक ओनली। तो इसी के साथ ये टॉपिक आज का हमारा यही खत्म होता है कि कॉशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन के अंतर दिया गया कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं माना जाता है, और फ्री कंसेंट नहीं होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। थैंक यू।